1 जुलाई 2024 तीन नए आपराधिक कानून को हम लोग लागू कर रहे हैं और ये तीन जो पुराने आपराधिक कानून थे उनको रिप्लेस करेंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पुराने ब्रिटिश काल में बने कानून थे उनको रिप्लेस करके नए कानूनों को लाया गया है, उनको आज से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे करेंगे। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि पुलिस की कार्यशैली को और पारदर्शिता के साथ बनाना और जो पब्लिक है उसको सुविधा और हम लोग उपलब्ध कराएं और किसी भी तरह की जो पब्लिक को असुविधा होती है उसको हम लोग खत्म करें। और इसमें कई सारे मुख्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि EFIR का है, इसमें हम लोगों को प्रावधान है कि कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकता है और 3 दिन के अंदर अगर वो थाने पे आकर उसको हस्ताक्षर करता है तो उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के भी और जोर दिया गया है, साक्ष एकत्रित करने पे टेक्नोलॉजी का और साइंटिफिक एविडेंस का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बनाया गया है। 7 साल से अधिक प्रकार के जो सज़ा है उसमें जो अपराध हुआ है उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करना अनिवार्य है। उसके तहत यहाँ पे FSL का एक पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है, उसके साथ एक किट और गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। तो जहाँ भी संगीन अपराध होगा तो वहाँ वो मौके पर पहुँच करके साइंटिफिक एविडेंस एकत्रित करेंगे, इससे अभियोजन भी और मजबूत होगा। और इसमें जो प्रावधान है वो केंद्रित हैं पब्लिक की सुरक्षा को लेकर के, पब्लिक की सेफ्टी को लेकर के और पब्लिक की सुविधा को लेकर के, और पुलिस भी उसी डायरेक्शन में काम करेगी। आज कहीं पहला FIR दर्ज हुआ नया कानून? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो भी FIR दर्ज होगा वो नए कानून के तहत होगा। अंदर उसकी जांच करेगा, पूरा जांच पड़ताल करेगा और जांच पड़ताल के बाद अगर ऐसा लगता है कि उसमें क्या विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, अगर FIR करनी है तो उसमें FIR की जाएगी, अगर प्रिवेंटिव एक्शन करना है तो प्रिवेंटिव किया जाएगा और कोई अगर विधि सम्मत उसमें कार्रवाई करनी है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसमें पब्लिक के लिए और पुलिसिंग के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है कि पब्लिक में पुलिस और पुलिस की कार्यशैली को लेकर विश्वास पैदा हो, पारदर्शिता हो और इसमें सवाल ना उठे हमारी हमारे कार्यशैली पे और पब्लिक पे भरोसा हो कि पुलिस हमारे लिए है। जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे वृद्ध लोग हैं उनके लिए और जो महिलाएं हैं उनको थाना आने की आवश्यकता नहीं है इस कानून के तहत, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, तो थाना आपके लिए है और अगर आपको कोई परेशानी है तो थाना आने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभियुक्त भी हैं तो भी जो विधि सम्मत कार्रवाई उस तरह से की जाएगी और जो 3 साल से कम के अपराध हैं उसमें भी अरेस्टिंग को लेकर के इसमें आपको छूट मिली है, लेकिन DSP रैंक के ऑफिसर उसमें प्रमाणित करेंगे कि 3 साल से कम अपराध अगर हुआ है, 3 साल से कम सजा वाला, तो उसमें जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, उनकी बिना अरेस्टिंग करे अगर उन पे साक्ष है, उन्होंने अपराध किया है तो हम लोग कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करते हैं और उन पे जो ट्रायल चलेगा वो साक्ष के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, हम लोगों की कार्यशैली में और पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे और पब्लिक के लिए जितनी सुविधा पुलिस की तरफ से और हो सकती है उसका प्रयास हम लोग करेंगे कि पब्लिक को सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले और उनको अनावश्यक जो पहले के समय में जो कहेंगे हैरेसमेंट होता था कि आए हैं थाना और थाना से भगा दिया गया और थाना से ये फैक्ट है कि बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है कि थाना में इधर से वहाँ भेज दिया कि हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, तो वो सब भी चीज़ें होती थी और वो सब हम लोग अब कम करने का, पूरा जीरो करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा इसमें 0 FIR का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से है और